नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सीरीज सर्विसेज में। आज है 5 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंगूभाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री कुंजीलाल दुबे जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी थे। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल थी। और अभी हाल ही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने किया है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 13 जनवरी को किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 13 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ये राज्य स्तरीय होगा। क्रम यहाँ पर हम 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2021 में पूछा भी गया था। और 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 दिसंबर को। चारों डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर की सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिवदर्शन आर्ट गैलरी का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर के सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिवदर्शन आर्ट गैलरी का वर्चुअल शुभारंभ किया है। और ये कहाँ पर किया है? तो ये हमारे देश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ठीक है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 16वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है। और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, और ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। मंत्री कौन है हमारे देश के? तो ये अमित शाह है। देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, ठीक है। तो भोपाल में देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी स्टार्ट की जाएगी। स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर किस स्थान पर है? तो ये 14वें स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भोपाल किस स्थान पर है? तो ये 29वें स्थान पर है। तो इंदौर स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट में 14वें स्थान पर है और भोपाल 29वें स्थान पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये टीकमगढ़ से किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किस डिस्ट्रिक्ट से किया है? तो ये टीकमगढ़ से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकमगढ़। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कब किया है? तो ये 4 जनवरी 2023 को किया है, ठीक है। 4 जनवरी 2023 को किया है मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना की चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूखंड वितरित कर विधिवत शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन गरीब परिवारों को भूखंड की सुविधा प्रदान की जाएगी जिनके पास न तो रहने को आवास है और न ही कोई भूमि है। ऐसे परिवारों को रहने का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के तहत सरकार के द्वारा निःशुल्क प्लाट देने का फैसला भी किया गया है। कार्यक्रम में जिले के कुल 10,918 हितग्राहियों को 129,37,00,000 रुपए के भूखंड वितरित किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पहले जो डेट बताई थी तो उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये अब 7 से 11 जनवरी तक किया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा। और जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हनुमंतिया में किया जा रहा है, और हनुमंतिया हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है, और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। मालवा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर में किया जाता है। और निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है, और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। लोकरंग समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है, ठीक है। और ये अभी टीओ के एग्जाम में पूछा भी गया था कि लोकरंग समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है, और राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। गमक महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, अभी टीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि जो जहाज महल है वो कहां पर है, तो वो मांडू में है, ठीक है। तो देखिए, मांडू का किला कहां पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू का किला कहां पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किन पहाड़ियों पर है? विंध्याचल पहाड़ियों पर है। किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और मांडू किले में जामा मस्जिद है, हुसंग शाह का मकबरा है, और नीलकंठ का मंदिर स्थित है। तो मांडू के किले में ही जामा मस्जिद भी है, हुसंग शाह का मकबरा भी है, और नीलकंठ का मंदिर भी कहां पर है? तो ये मांडू के किले में है। और देखिए, मांडू में कौन कौन से महल है? तो याद रखिएगा, मांडू में असरफी महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, बाज बहादुर का महल है, रूपमती का महल है, और तबेली का महल है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा महल कहां पर है, ठीक है। पिछले बार पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मांडू का किला है वहां पर कितने प्रवेश द्वार निर्मित है, तो 12 प्रवेश द्वार निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। और मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है, और धार डिस्ट्रिक्ट का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? बाघ प्रिंट है। इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है वीडियो, तो आप वो जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जिला एक उत्पाद की ट्रिक देखना चाहते हो, आपको सारे जिले के उत्पाद याद हो जाएंगे। मांडू उत्सव का चौथा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 7 जनवरी से 11 जनवरी तक। और वार्षिक संगीत समारोह हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का छठा संस्करण इस वर्ष भोपाल और इंदौर में होगा। भोपाल में 8 से 10 जनवरी तक कुशभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत भवन एवं रविंद्र भवन में होगा, और इंदौर में 7 से 12 जनवरी तक लाल बाग पैलेस में विभिन्न सांस्कृतिक और सुरमई प्रस्तुतियां होगी। साथ ही स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत कब से होगी? तो ये 5 जनवरी से होगी। कहां पर? उज्जैन में। और कब तक चलेगी ये? तो ये 15 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। और इन गतिविधि का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये DGCA एवं USPA प्रमाणित संस्था स्काई हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जबलपुर प्रथम स्थान पर है, बड़वानी द्वितीय स्थान पर है, बालाघाट तृतीय स्थान पर है, नरसिंहपुर चतुर्थ स्थान पर है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जबलपुर है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2022 को हुआ था, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2022 से हुआ था। देखिए, सीएम हेल्पलाइन के मामले में टॉप पर आने के बाद जबलपुर जिला मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में भी टॉप पर है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 23 अगस्त 2022 से हुई थी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है क्या? तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं है, ऐसे बच्चों की देखरेख करने वालों को 4,000 रुपए प्रति बच्चे के मान से दिए जाने का प्रावधान है। और ये राशि बच्चों के देखरेख और उनकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। और इसी तरह से जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, उनको उच्च शिक्षा या कौशल विकास के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसलिए जिले की यह सफलता बड़ी मानी जा रही है। और हमारे मध्य प्रदेश में टॉप 5 जिले की बात करें तो इस सूची में जबलपुर के अलावा बड़वानी, बालाघाट, नरसिंहपुर और पन्ना जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में आयोजित, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो पिंक सिटी जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 4 में किस जिले की हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठवीं बार मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और देखिए दोस्तों, ये लगातार कौन सी बार इंदौर को अवार्ड मिला है? लगातार छठवीं बार मिला है। 2017 से लेकर 2022 तक लगातार छठवीं बार हमारे इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य और इंदौर को देश के स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमारे मध्य प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। इसके 99 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली है, भोपाल को 5 स्टार मिले हैं, और देश की स्वच्छतम संवहनीय राजधानी का अवार्ड भी भोपाल को मिला है, और इंदौर को प्रथम 7 स्टार रेटिंग प्रमाणित शहर बना है। उज्जैन को 100,000 से अधिक जनसंख्या श्रेणी के शहरों में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहभागिता का सम्मान मिला है, और 100,000 से 300,000 जनसंख्या के शहरों में देश का सिटीजन फीडबैक का अवार्ड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को मिला है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो, मंडला, शहडोल, रायसेन या बालाघाट। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।